नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट नितेश आपके अपने YouTube चैनल आर्ट स्पेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे 30 फुट बाय 40 फुट के एक ब्यूटीफुली हाउस डिज़ाइन को, जो कि एक सिंगल स्टोरी हाउस है और तीनों तरफ से कवर्ड है। ये इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, आप चाहें तो इसे गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपको इसके नंबर ऑफ रूम्स के बारे में, कवर्ड एरिया के बारे में और प्राइस के बारे में एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। प्लान के लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां पर जाकर इसे पे एंड डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में एक गिव अवे भी है। हमने कुछ दिन पहले एक पोल क्रिएट किया था जिसमें पूछा था कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। सो उसके बेसिस पर हमने एक इंटीरियर डेकोरेटिव आइटम एज अ गिव अवे इस वीडियो में देने वाले हैं। उसकी ज़्यादा जानकारी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी, तब तक घर देख लेते हैं। चलिए अब मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर इसका फ्रंट एलिवेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह है इसका ड्राइववे, जो कि है 13 फुट 7.5 इंच बाय 13 फुट 9 इंच का, जहां आप आराम से एक एवरेज गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसका फ्रंट यार्ड भी आपको मिलता है 3 फुट 9 इंच का। मेन डोर से एंट्री करें तो हमें मिलता है 12 फुट 7.5 इंच बाय 10 फुट 2 इंच का ड्राइंग रूम, जिसके बैकड्रॉप पर हमने मिरर का यूज किया है, सो दैट हमें ये जो एरिया है वो स्पेशियस लगे। और इसके दूसरी तरफ आपको मिलता है डाइनिंग एरिया, जो कि है 13 फुट 1.5 इंच बाय 10 फुट 2 इंच का। और डाइनिंग के साथ आपको मिलता है पूजा एरिया, जो कि है 3 फुट 6 इंच बाय 9 फुट 4.5 इंच का। और पूजा के साथ आपको मिलता है इसका किचन एरिया, जो कि है 8 फुट 9 इंच बाय 9 फुट का। अगर आपको इसका कलर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं। ये फ्रिज की लेफ्ट साइड आप जो बॉक्स देख रहे हैं, यहां पर ओवन आ जाएगा। किचन की दूसरी तरफ हमने एक विंडो दी है जो कि ऑनिंग है। इसमें दोस्तों हमने तीनों तरफ से सेटबैक्स दिए हैं, जो कि लेफ्ट और राइट में भी हैं। आप चाहें तो उसे अवॉइड करके एरिया को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। और अब देखते हैं इसका बेडरूम नंबर 1, जो कि है 9 फुट बाय 12 फुट का। इसके बैकड्रॉप पर हमने MDF पैनल्स का यूज किया है। स्टेयरकेस के नीचे आपको वैनिटी की प्लेसमेंट मिल जाती है, और उसके बिल्कुल बगल में आता है कॉमन टॉयलेट, जो कि है 5 फुट 6 इंच बाय 5 फुट का। इसकी जो वेंटिलेशन है वो साइड वाले सेटबैक से हो रही है। जैसा मैंने बताया, आप चाहें तो इसके सेटबैक्स को अवॉइड करके इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, और टॉयलेट्स की जो वेंटिलेशन है वो ऊपर टेरेस से हो जाएगी। और ये है इसका बेडरूम नंबर 2, जो कि है 10 फुट बाय 12 फुट का।
इसी के साथ आपको मिलता है अटैच टॉयलेट जो कि है 5 फुट 6 इंच बाय 6 फुट 7.5 इंच का। इसकी जो वेंटिलेशन है वो रियर सेटबैक से हो रही है। हमें दोस्तों सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की ही रिक्वायरमेंट्स थी तो हमने उतना ही बनाया। आप चाहो तो सेम प्लान ऊपर रिपीट कर सकते हो। और ये है इसका टेस्ट डिजाइन। इसकी लेफ्ट साइड पर हमने लॉन्ड्री एरिया प्रोवाइड किया है और इस स्पाइरल स्टेकेस ऊपर के फ्लोर को एक्सेस करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं आज के गिव अवे की। सो गाइस, ये है वो प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। इसके लिए आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर कोई एक नेगेटिव पॉइंट बताना है आपको इस हाउस के बारे में जो आपको फील हुआ हो इस वीडियो को देखते हुए। ये पॉइंट इसकी प्लानिंग को लेकर हो सकता है, डिज़ाइनिंग को लेकर हो सकता है, या फिर वीडियो क्वालिटी को लेकर हो सकता है। और विनर का नेम इस मंथ के एंड में मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, देन फर्दर हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। प्रोडक्ट की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसे गो थ्रू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। प्लान के लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसे पे एंड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।